एक वक्त सेट हो जाए बस बैठ जाए। हाँ भाई वेक्टर्स में हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 1.1। बताओ कौन सा क्वेश्चन। अंशु आवाज आ रही है? 10.1 है, बताओ बेटा। शुरू में डेफिनेशन गई है, ज्यादा नहीं गया। इसका अच्छा चल जाए काम कर देंगे थोड़ा सा। फिफ्थ का थर्ड आंसर द फॉलोइंग एज ए ट्रू और फॉल्स। बेटा देखिए ए वेक्टर अगर ये है तो माइनस ए वेक्टर अगर ए बी वेक्टर ए है तो बी ए माइनस ए वेक्टर होगा और ये कोलिनियर होगा। कोलिनियर का मतलब ये दोनों वेक्टर एक ही लाइन पे लाई करेंगे, ये दोनों वेक्टर एक ही लाइन पे लाई करेंगे। दूसरे नंबर का प्रश्न इसमें आता है ये टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, बताइए। जरूरी नहीं है, देखिए ये और ये ए बी और सी डी ये कोलिनियर हैं, एक लाइन में है लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जरूरी नहीं है। तो नो, आपका ये जवाब सही नहीं है। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ये भी जरूरी नहीं है कि दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड का मतलब उनकी लेंथ का सेम होना है, वो कोलिनियर हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये भी जवाब आपका नो, ये ट्रू नहीं है, यानी कि फॉल्स। ये भी आपका फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होना कोलिनियर का नहीं है। कोलिनियर का मतलब जो एक ही लाइन पे लाई करें या एक ही लाइन के पैरेलल है। मैग्नीट्यूड का कोलिनियर से कोई लेना देना नहीं है। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। हाँ जी, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो वेक्टर कोलिनियर हैं लेकिन उनका डायरेक्शन अलग अलग है। देखिए आपका चौथा पार्ट, ये आपका है ये ए बी और सी डी, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन वेक्टर का इक्वल होने के लिए तीन चीज सेम होनी चाहिए। नंबर एक, या तो वो पैरेलल हो या सेम लाइन पर हो। नंबर दो, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। और नंबर तीन बात, उनकी डायरेक्शन सेम हो। तो खाली मैग्नीट्यूड सेम होना इक्वल होने के लिए काफी नहीं है। तो आपका ये भी फॉल्स। ठीक है भाई, बता रहा सुनिए। कोलिनियर होने के लिए दो वेक्टर का खाली कोलिनियर है, एक कोलिनियर मतलब एक लाइन में है, अगर उनकी डायरेक्शन अलग अलग तो अलग अलग है तो भी वो इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए या तो वो पैरेलल होंगे या सेम लाइन पर होंगे, डायरेक्शन सेम होगी और उनकी लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है भाई, क्लियर? बोलो बेटा, किसी को डाउट हो तो। अंशु क्लियर है? पिक्चर लेती रहे, वो कहोगे ऑनलाइन की कई दिनों में ऐसी आदत पड़ गई कि ऑनलाइन पर फोकस है, तुम ये दिखाई दे, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। अब अगली एक्सरसाइज हमारी बेटा, अगली एक्सरसाइज में हमने क्या बात की थी देखिए, एक मिनट के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1, z1, तो
तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते थे, एक्स वन आई, वाई वन जे और जेड वन के। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखते हैं तो पोजीशन वेक्टर पहले के साथ आई, दूसरे के साथ जे, तीसरे के साथ के, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और अगर दो पॉइंट है, ए के पोजीशन वेक्टर एक्स वन वाई वन जेड वन और बी के एक्स टू वाई टू जेड टू, ठीक है, तो ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे हम, ये लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर ये बी है, इसका पोजीशन वेक्टर होगा एक्स टू आई, वाई टू जे और जेड टू के। ए का पोजीशन वेक्टर एक्स वन आई, वाई वन जे और जेड वन के, ये आपका आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई, वाई टू माइनस वाई वन जे, जेड टू माइनस जेड वन के। अब ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी का मैग्नीट्यूड आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर द रूट। डिस्टेंस फार्मूला होता था आपका, जो डिस्टेंस होता था पिछले साल थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, वही आपका ए बी का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है भाई। अब हमारी अगली एक्सरसाइज, मेरी पिक्चर अभी थी, रोहित कौन कौन है तेरी क्लास से, बाकी कहां गए, सब धीरे धीरे गायब हो रही, और कॉमर्स में से चालू ही है। हाँ ये हालात है भैया, तुम्हें ये पढ़ाई करनी है, देख लिया मैंने। अब देखो बेटा, एक होता है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन किसी वेक्टर का, देखिए ये आपका एक्स एक्स वाई और जेड, मान लेते हैं ये कोई वेक्टर है ओपी और ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ मान लेते हैं ये गामा बढ़ाता है। कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ यदि अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ गामा एंगल बनाता है, तो डायरेक्शन कोसाइन लिखे जाएंगे एल, जो कोस अल्फा है यानी कि कोस ऑफ अल्फा, कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बढ़ाएगा उसका कोस अल्फा, कोसाइन ऑफ अल्फा एंगल, वो डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है कोस अल्फा। हाँ जी, कौन सा, ऐसे ही एम कोस बीटा, एम क्या होगा कोस ऑफ बीटा, एन क्या होगा कोस गामा, एम क्या होगा कोस गामा, ठीक है भाई।
डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, आज माफ करके ले लिया मैंने ये ना, ढंग का है नहीं, ये दुखी कर रहा बार बार, कभी वो संभाल ना कभी ठीक है भाई। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। देखिए अगर हमारा कोई वेक्टर, अगर ओपी वेक्टर है एक्स आई वाई जे और जेड के, अगर ओपी वेक्टर है एक्स आई वाई जे जेड के और इसका मैग्नीट्यूड, ओपी का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओपी का मैग्नीट्यूड, तो आपका कोस अल्फा होगा एक्स अपॉन आर, मैं इसको आर से लिखूंगा, इस मैग्नीट्यूड को मैं आर से लिखूंगा, जब भी मैं आर लिखूं तो आप समझ जाइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के अंडर रूट को, ठीक है ना। कोस बीटा, कोस बीटा वाई अपॉन आर, कोस गामा जेड अपॉन आर, कहीं आपको गामा में दिक्कत हो, गामा और एक जैसा लगता हो तो आप आर को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है बेटा। डायरेक्शन कोसाइन क्लियर हो गया आपको, कैसे निकालते हैं, कोस अल्फा अपॉन आर, कोस बीटा वाई अपॉन आर, यानी कि कोरोस्पोंडिंग कंपोनेंट, कोस अल्फा एक्स कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड, कोस बीटा वाई कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड, कोस गामा जेड कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम करोगे एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एम स्क्वायर, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम करके ऐड कर दो तो ये आपका कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा, ये वन होगा कि आप कैलकुलेशन कर लो, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कैंसिल करोगे वन आ जाएगा, ठीक है ना। बोलो भी किसी को डाउट हो, अंशु रोहित आ रहा है समझ भाई, रोहित जहां नहीं आए वहां टोक देना। देखिए अब मैं आपको डायरेक्शन को साइन निकाल के दिखाता हूं होता क्या है, देखिए अगर आपका कोई वेक्टर ये है 2i 2j और k, तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन को डी को डी सीज लिखेंगे, डी डॉट सीज, डी डॉट सीज डायरेक्शन कोसाइन, पहला आपका आपको इसको मैग्नीट्यूड निकालिए, आर का मैग्नीट्यूड, आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, के वाले का स्क्वायर, थ्री आ जाएगा ये, तो कोस अल्फा पहला डायरेक्शन कोसाइन एक्स अपॉन आर, एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट अपॉन आर, एम यानी कि कोस बीटा वाई अपॉन आर, वाई अपॉन आर,
वाई मतलब जे का कंपोनेंट अपॉन आर एन कोस गामा मतलब वन बाई थ्री। बेटा डायरेक्शन कोसाइन समझ आया कि नहीं आया? आगे डायरेक्शन कोसाइन क्लियर है सभी को? रोहित अंशु, अब डायरेक्शन रेशियो, एक दूसरा वर्ड है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? ये डेफिनेशन है, दीज आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन की प्रोपोर्शनल वैल्यू, डायरेक्शन कोसाइन की प्रोपोर्शनल वैल्यू यानी कि ये डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। मोटी भाषा में अगर आर वेक्टर एक्स आई वाई जे और जेड के है तो डायरेक्शन कोसाइन ये रेशियो होगा बेटा एक्स वाई और जेड का, एक्स वाई और जेड का जो रेशियो होगा, एक्स वाई जेड का जो रेशियो होगा वो डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आर कोई वेक्टर है 4i 2j माइनस 6k, 4i प्लस 2j माइनस 6k, तो डायरेक्शन कोसाइन सॉरी डायरेक्शन रेशियो ये इसका रेशियो हो जाएगा 4 2 और माइनस 6 का, 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा। नहीं आया कभी समझ में? नहीं आया है जी, रेशियो ही लेके चल रहा है, वैसे लिखा कोमा से जाएगा वो ये दूसरा रेशियो नेगेटिव में हो सकता है। हाँ ये डायरेक्शन रेशियो नहीं क्यों? हाँ एक चीज ध्यान देने की, अगर दो नेगेटिव है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करके, अगर आपका डायरेक्शन रेशियो ऐसे है माइनस टू और वन तो आप इसको दो नेगेटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखोगे टू टू माइनस वन हो गया। आगे आप तक एक माइनस है तो मत छेड़ो, अगर दो माइनस है तो उनको प्लस बनाओ, ठीक है बेटा? रेशियो का मतलब जो कंपोनेंट्स हैं उनका प्रोपोर्शन है, हो गया भाई? हो गए परेशान हो रही है, मार्क्स के साथ पढ़ाया तो ज्यादा लेकिन पढ़ना मुश्किल है, हो गया? और देखिए भाई अगली एक्सरसाइज माइनस से मल्टी पॉजिटिव बनाने के, अगर आप माइनस में लिखते हो तो गलत नहीं होगा, ठीक है? लेकिन आपके आंसर मैच नहीं करेंगे, कई बार आपने पा ली किसकी क्या दे रखी है भाई? डायरेक्शन रेशियो को ऐसे लिखता है, जैसे ये है आपका, जैसे ये एबीसी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? डायरेक्शन रेशियो की रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, आइए एक्सरसाइज 10.2। भाई एलिमेंट्स की बुक मेरे पास है, चाहो तो मैं डेली ग्रुप में डाल दूंगा, के मेरे लिए क्या आरस करवा कर लेना, रेफरेंस बुक जरूर कर लेना जो बच्चे साइंस के हैं, ठीक है?
और देखता हूँ। एक्सरसाइज 10.2, बस बस बेटा बोल रहा, 10.2 एक्सरसाइज, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। पहला है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है आपने, क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ नहीं दिया, कभी टूटता था काम बना रहा था, सच बताऊं एनसीईआरटी मुझे पसंद नहीं है। भाई ये कोई वेक्टर है, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर, ये आ गया 4, ये 49 और ये 9, कितना हो गया भाई देखना, रूट पक्का। चलिए मैंने तो वैसे लिया ना, ये बी दे रखा है ग्रुप में, एक पार्ट करा दिया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। हमें हमने दो वेक्टर ऐसे लिखने हैं बेटा जिनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। देखिए एक वेक्टर ये है आपका I प्लस जे प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड आपको एक एग्जाम्पल देना है, दो वेक्टर ऐसे जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो I प्लस जे प्लस के मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, I वाले का स्क्वायर, J वाले का स्क्वायर, K वाले का स्क्वायर रूट 3। आप B वेक्टर ले लो माइनस आई प्लस जे प्लस के, आप सभी जानते हैं अलग वेक्टर हो गया, ठीक है ना, अलग डायरेक्शन में हो गया। और वेक्टर ले लो, सी ले लो, माइनस आई माइनस जे प्लस के, सभी का मैग्नीट्यूड 3 है, एक इसका मैग्नीट्यूड भी रूट 3 है, सी का मैग्नीट्यूड भी रूट 3 है, अंतु समझ आया कि नहीं आया। चालू प्रतीक की फोटो